नमस्कार, ये 54 वर्षीय व्यक्ति का पाम है। इनके दो प्रश्न हैं, पहला हेल्थ को लेकर, दूसरा ये अभी इनके जो कार्य क्षेत्र पर परेशानियां चल रही हैं उससे संबंधित ये प्रश्न पूछना चाहा है। देखिए, सबसे पहले बात करूं मैं आपके बुध की उंगली की, तो बुध की उंगली आपकी सीधी खड़ी है, आपकी सारी उंगलियाँ सीधी हैं। ऐसा व्यक्ति स्वच्छंद विचारधारा का व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति देखिए, इसके साथ में एक बड़ा ही अजीब केस होता है। इनके साथ में ये दिल के बहुत साफ व्यक्ति होते हैं, इनकी सोच समझ साफ होती है, लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन लोग इनका दुरुपयोग करते हैं, इनकी सिधाई का फ़ायदा उठाते हैं, इनको जीवन में धोखे बहुत मिलते हैं। ठीक है, ये ऐसी संभावना इनके साथ में ज़्यादा बनती है। बाकी देखिए, बुध की उंगली जब ऐसी स्थिति हो, फर्स्ट फलन तक पहुँचे, तो ऐसे व्यक्ति का याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, वाक क्षमता, वाक पटुता, ये सारी चीज़ें इनकी अच्छी होती हैं। ठीक है, उसके बाद में सूर्य की उंगली की बात करें, तो सूर्य की उंगली गुरु की उंगली के लगभग बराबर है, ऑलमोस्ट, यानी कि प्लस में है हल्का सा। तो ऐसे लोग जीवन में फास्ट निर्णय लेना, फास्ट तरीके से आगे बढ़ना, जीवन में प्रोग्रेस भी इनको जल्दी जल्दी मिलता है, बट ये बेताबी को, अधीरता को, बेचैनी को भी बताता है, थोड़ा पेशेंस लेवल कम होता है ऐसे लोगों का। शनि की उंगली की बात करें, शनि जब सीधे तरीके से खड़ा हो और दोनों तरीके से गेप बनाता हो, तो ऐसा व्यक्ति देखिए, ऐसा व्यक्ति बिल्कुल इस चीज़ को समझ के चलता है कि व्यक्ति का ये जो रिश्ते नाते हैं, इनकी वजूद क्या होती है, ये जो चीज़ें हैं, जो इस मोह माया से अलग हट के सोचने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा होती है। दूसरा चीज़, माँ बाप से दूरी को भी ये बताता है, जब यहाँ पे ज़्यादा गेप आता है, माँ बाप से दूरी हो, या दूर में जाकर व्यवसाय हो, या घर जन्म स्थान से बहुत दूर में जाकर बसना, रहना, ज़िंदगी काटना, ये सारी चीज़ों के हिसाब किताब को भी ये बताता है। बाकी देखिए, अंगूठे पर बात करें, तो अंगूठे की लंबाई मध्यम लंबाई है, न बहुत ज़्यादा लंबा है, न बहुत ज़्यादा छोटा, ठीक ठाक लंबाई में अंगूठा चल रहा है। फर्स्ट फैलेंज की बात करें, तो नुकीला है फर्स्ट फैलेंज। जब ऐसा हो तो व्यक्ति के अंदर में कार्य करने की जिद अच्छी होती है, विल पावर स्ट्रांग होता है ऐसे व्यक्ति का, और विल पावर को एग्जीक्यूट करना, वो आपका मंगल को बताता है। तो मंगल आपकी अच्छी स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति अपना जो भी सोचता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भरसक प्रयत्न करता है। वो प्रयत्न करने की जो स्थिति है, जो साहस है, वो मंगल इसको प्रदान करता है। मंगल आपके हाथ में बहुत सुदृढ़ अवस्था में, अच्छी स्थिति है, तो अंगूठा भी ठीक ठाक स्थिति में है। बाकी देखते हैं, देखिए पर्वत पे बात करता हूँ, तो सबसे पहले बात करता हूँ बुध के पर्वत पर। बुध का पर्वत आपका ठीक है, एक दो खड़ी लकीरें भी यहाँ मुझे दिखाई दे रही हैं, तो एक दो खड़ी लकीरें जब दिखाई दे, तो व्यक्ति का वाणी मीठा होता है, वाणी अच्छे तरीके से यूज करता है, बातों को अच्छे तरीके से समझा पाता है, और बिजनेस का सेंस ऐसे लोगों को अच्छा होता है। बाकी ओवरऑल चीज़ें ठीक है, बुध में कोई नेगेटिव पॉइंट मुझे दिखता नहीं। सूर्य पे बात करते हैं, तो सूर्य की जो रेखा है, ये देखो टूट टूट के चल रही है सूर्य की रेखा, ठीक है, टूट टूट के चल रही है। ऊपर से एक मोटी रेखा इधर से काट रही है, एक यहाँ से रेखा कटती हुई जा रही है, तो देखो ये स्टेबिलिटी नहीं मिलता ऐसे समय में। कैसे स्टेबिलिटी? जॉब से संबंधित स्टेबिलिटी हो, चाहे आपके सम्मान के प्रति, आपका जैसे कि कोई भी आप काम करते हो, टैलेंट कितना भी हो, जब रिकॉग्निशन जो होती है ना, वहाँ पे ऐसा व्यक्ति को बहुत परिश्रम करना पड़ता है उसको बनाए रखने के लिए, प्राप्त करने के लिए, आम लोगों से ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है, सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं दिखती, सूर्य की रेखा अच्छी नहीं है, यह संघर्ष को बताती है, उतार चढ़ाव को बताती है, सीनियर का आपके प्रति रवैया, आपके कलीग्स का आपके प्रति रवैया, थोड़ा सा लेग पुलिंग, या फिर बोलो कि पार्टी पॉलिटिक्स वगैरह चीज़ें, ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह चीज़ें, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं ऐसे लोगों के साथ में। ठीक है, पिता से संबंध में मधुरता नहीं बन पाती, ये इसको भी बताता है। वैसे शनि पर बात करें, तो शनि पे भी स्थिति ठीक है, शनि का बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं। देखिए कुछ धारी धारी रेखाएं चल रही हैं ज़रूर, जब ये रेखाएं जब ज़्यादा चलने लगती है ना, तो ये रेखाएं बताती हैं, देखो आपको नस से अगर संबंधित कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके माइंड लाइन पे भी मैं देख पा रहा हूँ, इसको रिलेट करता हूँ, सीधी माइंड लाइन कभी किसी की हो और यहाँ पर ऐसी रेखाएं धारी धारी देखने मिल जाएं, तो ये क्लियर कट बताता है कि ऐसे व्यक्ति को जॉइंट पेन से संबंधित नस का तकलीफ, अब कैसा, साइटिका का प्रॉब्लम, ठीक है, नस दम जा रहा है जॉइंट पे,
या ज्वाइंट्स में कोई नस का फंस जाना, दब जाना या कोई भी उससे संबंधित परेशानी ऐसे लोगों को जीवन में देखनी पड़ती है। तो देखिए, ज्वाइंट पेन से संबंधित प्रॉब्लम आपको सताएगा, कमर दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको सताएगा। बाकी देखते हैं, गुरु पे, गुरु की स्थिति सम है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं, ठीक है, गुरु अच्छा है। और शुक्र का एरिया भी बहुत अच्छा है, तो ये अपोजिट पार्टनर और ये आपका दाम्पत्य, तो दोनों जगह स्थिति ठीक है। तो पारिवारिक जीवन में पत्नी के साइड से आपको ज़्यादा ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, सामान्य रूप से दाम्पत्य अच्छा ही रहेगा आपका। ये स्थिति क्लियर आपको समझ में आ रही देखने से। हालांकि आपके भाग्य रेखा में यहाँ पे द्वीप था, तो ये भाग्य रेखा में द्वीप होने से पारिवारिक जीवन या दाम्पत्य जीवन में परेशानियों को लेके आता है, लेकिन इसकी परेशानियों को न्यूट्रलाइज करता हुआ यहाँ पे दो पहलू है। लेकिन फिर भी कोई ऐसा मोमेंट, ऐसा समय आपके साथ में ज़रूर बीतेगा जहाँ पे आपको ये परेशानी देखने को मिलेगी होगी, दाम्पत्य जीवन से संबंधित परेशानी को ये बताता है। अगर इससे संबंधित चीज़ों में जैसे कि ये इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं दोनों चीज़ें, तो ये एक और चीज़ों को बताता है। भाग्य रेखा में अगर द्वीप हो और आपकी पहली संतान लड़की हो तो बहुत सावधान रहें, अपनी पहली संतान यानी कि अपनी बिटिया की शादी के समय आपको सावधान रहना पड़ेगा। ऐसे समय में दामाद से संबंधित या ससुराल, बेटी के ससुराल से संबंधित रिश्तों में बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, ठीक है। बेटी के शादी का बहुत सावधानी से यहाँ पे निभाना पड़ेगा, ठीक है। ये स्थिति यहाँ पे अच्छी नहीं दिखी मुझे। उसके दाम्पत्य में प्रॉब्लम हो सकता है, ससुराल में कुछ लड़ाई झगड़े या हो सकता है कुछ सेपरेशन की घटना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को पड़े, ऐसे ही दुर्योग यहाँ पे बनता हुआ मुझे दिखता है। तो इसका ध्यान रखें, शादी अभी बिटिया का नहीं किए हैं तो सोच समझ कर विधिवत तरीके से करें, और अगर बिटिया प्रेम विवाह की तरफ में जा रही है तो उसको बिल्कुल इग्नोर करें, नहीं तो ये अच्छी स्थिति नहीं कहलाएगी, ठीक है। बाकी बात करता हूँ मंगल की, तो मंगल स्थिति बहुत अच्छी है, मंगल का पर्वत भी अच्छी स्थिति में है। जब इतना सुंदर मंगल का उभार हो तो आदमी एथलेटिक पर्सनालिटी का होता है, अच्छे स्वास्थ्य का गठन का व्यक्ति होता है, नॉर्मल सर्दी बुखार इन्फ्लुएंजा जैसी शिकायत इन लोग को ज़्यादा तकलीफ नहीं देती, खेल कूद के प्रति अच्छी रुचि होती है, देशभक्ति की भावना होती है, देश से प्रेम होता है, अपने सम्मान अपने आत्मविश्वास की रक्षा करना इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। और मंगल, बाहरी मंगल भी जब अच्छा हो तो आदमी मेंटली भी स्ट्रांग होता है, मेंटली जब स्ट्रांग होता है तो कितनी भी परेशानियाँ कैसी भी परिस्थितियाँ आए उसका डट कर मुकाबला करने की स्थिति ऐसे लोगों के अंदर में होती है। ये देखो यहाँ पे कुछ लाइनें ऊपर जा रही हार्ट लाइन से, ये फ्लड लाइन कहलाती हैं। ये फ्लड लाइन जब होती है तो आदमी कितना भी परिस्थिति बुरा हो, आदमी हंसकर उस परिस्थिति को गुजारने की जो क्षमता है वो यहाँ पे आती है, ठीक है। शुक्र पे बात करें, शुक्र ऑलरेडी मैं डिस्कस कर लिया हूँ, अच्छा है। तो ससुराल पैसे वाला, पत्नी, सुंदर पत्नी की प्राप्ति, समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति जीवन में होती है, अच्छा गाड़ी अच्छा घर सब प्रकार का सुख आदमी को प्राप्त होता है, ये अच्छी स्थिति शुक्र की स्थिति। चंद्रमा की स्थिति मध्यम स्थिति है, न बहुत ज़्यादा अच्छा न बहुत ज़्यादा ख़राब, सपोर्टिव रेखाएं भी ऐसी मुझे कुछ चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो मध्यम चंद्रमा है। और उसके बाद में देखिए मुख्य रेखाओं पर बात करूं तो सबसे पहले हार्ट लाइन पर बात करते हैं। हार्ट लाइन आपकी ख़राब है, इमोशनली आपको परेशानी देखनी पड़ेगी, इमोशनली आप बहुत हर्ट होंगे, इमोशनल चीज़ों से संबंधित मसले आपको बहुत परेशान करेंगे जीवन में, ठीक है। तो ये ऐसी स्थिति जनरेट हो रही है यहाँ पे, इमोशनली आपको बैलेंस होने की ज़रूरत है। जहाँ पे आपको दिल का सोचना है वहाँ पे दिल से सोचना, जहाँ पे आपको दिमाग से चलने की ज़रूरत है वहाँ पे दिमाग से चलना आपको ज़्यादा उचित रहेगा, नहीं तो आपको परेशानी आएगी, ठीक है। दिल दिमाग के बीच में तालमेल बराबर तरीके से बना के चलें। और देखो अब यहाँ पे ऐसा एक हार्ट लाइन का शनि के नीचे रुकना, ये धन के लिए तो अच्छा होता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति धन को लेकर स्वार्थ को बताता है, ये स्वार्थी होते हैं ऐसे लोग, और धन के प्रति संचय की भावना इनके अंदर में प्रबल होती है, तो ये चीज़ है। और यहाँ पे शुक्र जब उन्नत हो ऐसी स्थिति में हो तो आदमी लग्जरियस लाइफ को पसंद करता है, तब यहाँ से दोनों कॉम्बिनेशन तो अपोजिट जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये बताता है कि आदमी अपने लिए बहुत धन संचय के तरफ में फोकस करेगा, लेकिन जहाँ पे बात आएगी अपने स्वयं की अपने परिवार की तो वहाँ खुल कर खर्च भी करेगा।
तो अच्छा है, ये राजयोग कहलाता है। जब भी शनि के नीचे में हृदय रेखा रुकती है, ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छा धन कमाता है, अच्छा धन संचय करता है। लेकिन आपके केस में धन तो आप कमा रहे हैं और खर्च भी कर रहे हैं शुक्र पे, ये क्लियर है, बट संचय नहीं हो पा रही आपकी, क्योंकि भाग्य रेखा बहुत ख़राब है। बाकी माइंड लाइन पे बात करें तो देखो, माइंड लाइन की स्थिति यहाँ से यहाँ तक करीबन 24 साल तक अपने स्वयं के विवेक का इस्तेमाल ना कर पाना, या फिर बोलो कि भाग्योदय ना हो पाना। 24 साल के बाद में भाग्योदय हुआ, फिर स्वयं की विचारधारा इनकी चली, फिर आगे मस्तिष्क रेखा धीरे धीरे साफ होते होते आगे साफ हो गई है, तो ठीक है। लेकिन हाँ, मस्तिष्क रेखा जब छोटा रहे, सूर्य के नीचे ख़त्म हो जाए, ऐसा व्यक्ति जो है ना विस्फोटक होता है। ऐसे व्यक्ति सहनशील तो होगा, थोड़ी देर सहन करेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद में इसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा क्रोध एग्रेशन इनके दिमाग में आ जाता है। तो क्रोध एग्रेशन से बचें, गुस्से से बचें, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें। जीवन रेखा पे कुछ बातें बता दूं, इनकी शादी 30 साल के आसपास में हुई है, तो ये मंगल रेखा की एज से पकड़ लें तो ये आ गया 30। ये 30 के एज में इनकी शादी हुई और उसके बाद में कंटिन्यू राहु रेखा का प्रभाव है 30 से लेके 38 साल तक। कंटिन्यू हर एक डेढ़ साल, दो साल, तीन साल में इनके साथ में कुछ ना कुछ राहु रेखा जीवन में परेशानियाँ आती रहीं, तो ये उनका इन परेशानियों को भी बताता है। घर वाले पारिवारिक रिश्ते, ठीक है, उनके कारण से परेशानी आती रही, या फिर स्वास्थ्य में कुटुंब के में लोगों के, बच्चे का स्वास्थ्य, बीबी का स्वास्थ्य, या कुछ भी हो सकता है, उसमें परेशानियों के कारण से आप परेशान रहे, ये इन चीज़ों को बताता है, ठीक है। बाकी देखिए, मैं आपको भाग्य रेखा में जाके आपके सारे प्रश्नों का भी जवाब दूंगा और आपकी जीवन रेखा पे जो घटने वाली घटना है उसको भाग्य रेखा में ही मैं बता दूं। देखिए, भाग्य रेखा पे अगर मैं नज़र करता हूँ, भाग्य रेखा आपका उदय हुआ है जीवन रेखा के बिल्कुल नीचे से जाके यहाँ से आके ख़त्म हो रहा है। ये अपने आप में राजयोग होता है जब कभी भी जीवन रेखा के नीचे से भाग्य रेखा का उदय हो। ऐसा व्यक्ति का जन्म अच्छे कुल खानदान बड़े परिवार में होता है। अब परेशानी क्या आई, अब ये जीवन भाग्य रेखा देखो आप, ये गई लहर खाई, लहर खाई, लहर खाती हुई जा रही है। ये ऐसी जब भाग्य रेखा दिखाई दे और दोनों हाथ में देखे, इनके दोनों हाथ में ऐसी रेखा है लहरती हुई रेखा, तो ये पितृदोष को बताती है, और छोटा मोटा नहीं, ये प्रबल पितृदोष को बताता है। और ये पितृदोष आपके ऊपर में है, यही आपके जीवन में संघर्ष का कारण बन रहा है। इतना मेहनत, इतना पुरुषार्थ दिखाने के बाद में आपको आपके हिसाब की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, यही पितृदोष है। इस पितृदोष का आप निवारण कराइए, अगर नहीं कराए हैं तो, और करा लिए हैं तो फिर भी अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर ईश्वर के शरण में रहिए, प्रार्थना करते रहिए। जब तक कि भाग्य रेखा आपकी सुधरेगी नहीं, आपको कुछ भी आपका ठीक नहीं होगा। देखिए, ये बहुत लोग कहते हैं कि पितृदोष है, पितृ शांति करा लिया अभी सब चीज़ सही हो जाएगा, ये एग्जाम्पल है, ये पितृ शांति इन्होंने कराया हुआ है। अब देखो इनकी एज की कहानी मैं जा के बताता हूँ आपको, फिर भी इनको आराम क्यों नहीं मिला। देखो ये आपकी 39 पकड़ लो, यहाँ पे आपकी भाग्य रेखा ये जाके ख़त्म हो गई, फिर ये शिफ्ट होकर दूसरी भाग्य रेखा चली है जो ख़राब कंडीशन में चलती हुई यहाँ पे यहाँ तक चल रही है। अब ये देखो, तो मैं इसको 39 पकड़ा, 39 के एज से ये 52 तक का एज पूरा परेशानी भरा पीरियड ये रहा, ठीक है। यहाँ तक इनकी जीवन में परेशानियाँ बनी रही, कंटिन्यू परेशानियों का समावेश चलता रहा, ये स्थितियाँ बनी। इसके कारण से इनका कोई भी दोस्त शांति कराने के बाद भी इनको वो लाभ नहीं मिल पाया, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पर सूटअप दिख रहा है भाग्य रेखा में, एक सूटअप यहाँ पर है, एक यहाँ पर सूटअप है। ये एज आ रहा है आपका 38 और ये हो गया 4 8, तो अभी आपका आपने एज बताया 54 का, तो ये आपका आ रहा है 46 के अराउंड में, 45-46 के एज के अराउंड में ये आपका यहाँ पे एक सूटअप है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक कुछ गेन हुआ होगा कुछ तो भी, लेकिन ये बड़ा सूटअप नहीं है, एक छोटा सूटअप है जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको लाभ देखने को मिला होगा। उसके बाद में फिर आपको ये 19 में 19 तक
यानी कि अभी अगर 2024 पकड़ के चल रहा हूँ मैं, तो 2016 से लेके 2019 तक, अब यहाँ पे देखो आप भाग्य रेखा की स्थिति बिल्कुल कलर छोड़ दिया भाग्य रेखा ने, है ना, तो ये भी परेशानियों भरा पीरियड रहा। हालांकि 2016 में प्रॉफिट तो हुआ, बट वो प्रॉफिट के बाद में भी आपकी स्थितियों में कोई सुधार बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला। उसके बाद में 2019 के बाद में ये कलर पकड़ रही है भाग्य रेखा आपकी, तो 2019 के बाद में स्थितियाँ काफ़ी कुछ सुधार हुआ। 19 से 3 पकड़ लो, ये हो गया 22। 2022 के आसपास में आपके साथ में एक लेग पुलिंग की घटना एक घटी होगी, कुछ ऐसी घटना घटी होगी जहाँ पे आपका चलता काम रुका होगा, या फिर कोई आपके आपका काम कुछ तो भी ऐसा जिसपे पॉलिटिक्स हुआ हो या फिर चलता काम रुका हो, ऐसी कुछ स्थिति 2022 के आसपास में हुई होगी। फिर उसके बाद भाग्य रेखा में यहाँ पे एक भाग्य रेखा यहाँ चल के दूसरी भाग्य रेखा में परिवर्तन हो रहा है, तो ये परिवर्तन है कुछ शिफ्ट हुआ होगा, कुछ बदलाव हुआ होगा, कुछ बंद होकर दूसरा आप कार्य करना चालू किया होगा, ऐसी कोई स्थिति 22 फिर 23 24 और ये 25 लगभग 25.5। तो देखिए अभी आप एक राहु रेखा के प्रभाव में आ चुके हो, ठीक है, अभी राहु रेखा का प्रभाव एक साल का पूरा प्रभाव रहेगा, इतनी मोटी ये राहु रेखा आपको यहाँ पे काटी है। तो अभी आपने प्रश्न पूछा है कि मुझे रिजाइन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और जिस पल में ये राहु रेखा कट रही है आप उसके प्रभाव में पूरे तरीके से आ चुके हो, तो मैं आपको यही कहूँगा कि कोशिश करें कि ये साल अभी आप समय के फ्लो में बहें, अपने मत्ती का इस्तेमाल ना करें, आपका दिमाग जो कहता है, दिल जो कहता है, उसके फ्लो में मत जाएं, आपको नुकसान होगा, ठीक है। आप अपने वक्त का फ्लो में छोड़ दें अपने आप को, जो ईश्वर की मर्ज़ी होगी मैं उसे स्वीकार करूँगा ये समझ के चलें, और प्रार्थना करें ईश्वर से, जो भी आपका इष्ट है उसकी सेवा करें। और वैसे आपको शिव की सेवा करनी चाहिए, जब ये भाग्य रेखा में दोष हो ऐसा व्यक्ति शिव का पुजारी होता है, अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए ऐसे लोगों को, ठीक है, चाहे इस जन्म के हो चाहे पूर्व जन्म के हो, और शिव की सेवा जितना करें, शिव को जितना जल अर्पण करें वो करें, ताकि मानसिक शांति मिले आपको, ठीक है, ये करें। ये आपके जीवन का लास्ट कट होगा, इसके बाद में जीवन में आपको स्टेबिलिटी स्थायित्व मिलेगा, आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा, थोड़ा तो आपको अच्छा रहेगा, हाँ। लेकिन हेल्थ के लिए यहाँ पे रेखा फैल रही है, तो 50 के एज के बाद से आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तो चालू हो चुकी है यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे परेशानी थोड़ी और बढ़ सकती है। यहाँ पे भी भाग्य रेखा शाखावित होके चल रही है, तो इसका ध्यान रखें। जॉइंट पेन से संबंधित प्रॉब्लम जो मैंने कहा, बीपी शुगर से संबंधित प्रॉब्लम, ये जो चीज़ें हैं इन पे थोड़ा सा सावधान रहें, मेजर कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। लेकिन अभी 2025 आपके ईयर में डिसाइडर रहेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा बड़ा आपके सिर पे परेशानी आएगी, एक बड़ा धन का नुकसान होगा, एक चलता हुआ कार्य रुकेगा, उसके बाद दोबारा तुरंत विद इन 6 मंथ आपको एक प्रोग्रेस भी मिलेगा। कारण ये है कि यहाँ पे सूटअप है, ये कट लगा, ये सूटअप हुआ, तो बिल्कुल पैरेलल है, तुरंत आपको 6 महीने बाद में स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। तो कहने का मतलब मैं यही कहूँगा, अपने से मत करो, जो नुकसान होना है राहु अगर नुकसान करने वाला आ रहा है, आया है आपका, तो नुकसान करके जाएगा, आप अपने से ना करो, ठीक है, आप छोड़ दो ईश्वर पे, कंप्लीट सरेंडर कर दो, मैं ये कहूँगा, ये आपके लिए उचित रहेगा। हालाँकि मेरे कहने से चीज़ें नहीं होंगी, आप आपका मंगल आपको प्रेरित करेगा, और आप वो कार्य करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए, तो फिर भी मेरा काम है आपको समझाने का। वक्त के साथ में बने रहिए, जाने दीजिए वक्त को, बीतने दीजिए, अपने से डिसीजन मत लीजिए, मैं आपको अंतिम यही कहूँगा। बाकी जो भी होगा अगले 6 महीने के बाद में आपके साथ अच्छा होगा, आपके जीवन में थोड़ी खुशियाँ आने लगेंगी, आपके टेंशन जो भरे दिन चल रहे हैं वो ख़त्म होंगे। 2025 मिड तक मुझे ऐसा लगता है स्थितियों में सुधार होगा। तो ये था मेरे साइड से आपका हाथ का पूर्ण एनालिसिस, ठीक है। लेकिन जाते जाते मैं यही कहूँगा, 2-3 चीज़ें हैं जो आपको सावधान रहनी है। एक तो अगर आप जॉब को वाकई में रिजाइन के लिए आपने प्रश्न पूछा भी है, आप रिजाइन देना चाहते हैं, तो देखिए ऐसा लगता है कि आप रिजाइन देंगे, राहु का कट आपको मजबूर कर देगा, रिजाइन देंगे आप,
तो ये आप निश्चित रूप से इस बात को मान के चलें कि रिजाइन के बाद में आपको प्रोग्रेस भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप रिजाइन देने का मूड बना ही चुके हैं तो जाइए, बट 6 महीने आपको बहुत परेशानी होगी। और अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, मेरा कहना मानना है, तो राहु के प्रभाव में हो, इस समय को जाने दें, बाकी जो लिखा है वो तो होगा ही, ठीक है। हो सकता है कुछ तकलीफें आपको आराम हो, कुछ समय आपको धन के लिए आपको ज़्यादा परेशानी ना उठाना पड़े, आप समय के साथ बहें तो आप ऐसे में, मेरा ये मानना है, ठीक है। दूसरा चीज़ हेल्थ के लिए कहा है, तो हेल्थ के लिए आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तीसरा चीज़ और एक चीज़ है, बेटी की शादी के लिए आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। इस बात को दोबारा मैं बोल रहा हूँ, इसका मायने है, इसको समझ के चलना है, ठीक है। बाकी ओवरऑल आपका हाथ ठीक है, आगे आने वाला समय मुझे सही दिख रहा है, तो 2025 के मिड के बाद में आपका जीवन उत्तम होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये था मेरे साइड से आपके हाथ का पूर्ण एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू।